हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। सो वी आर एट अ स्टेज जहां पे हमें ये सोचना होगा कि एग्जाम जो है वो अब अप्रोच कर रहा है। वी आर वेरी नियर टू द एग्जामिनेशन और एक सुटेबल टाइम पर हम है जहां पे वी कैन स्टिल क्रिएट दैट बैलेंस कि हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करें और किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करें ताकि फाइनली वी आर देयर विथ आर एस्पिरेशंस आफ्टर द एग्जाम इज ओवर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी हैव जस्ट मिस्ड, यार 5 महीने थे, काश मैं तब सोच लेता। तो इस तरीके से हमें ये ख्याल ना आए, उससे बचने के लिए वी आर डूइंग दिस स्ट्रैटेजी एनालिसिस कि कैसे कैसे यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज दीज रिमेनिंग 5 मंथ्स फॉर योर एग्जामिनेशन और किस तरीके से उनको एग्जीक्यूट करना है और क्या क्या करना है और क्या क्या गलतियां होती हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है। सो आई एम मयूर एंड विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड फ्रेम द कंप्लीट टाइम टेबल फॉर द रिमेनिंग ड्यूरेशन टिल योर आईपीएम एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड इज 5 मंथ्स इनफ सर? मतलब 5 महीने सफिशियंट है या मेरे? तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक कि करना क्या है, उसके हिसाब से वी विल डिसाइड वेदर द टाइम इज सफिशियंट और नॉट। एंड ए वंस वी गो थ्रू दिस कि पहले तो हमें सिलेबस ही पता होना चाहिए। क्या आईपीएम का सिलेबस खत्म हो सकता है इन 5 महीनों में? बिल्कुल, इन द रिमेनिंग ड्यूरेशन यू कैन कंप्लीट योर होल सिलेबस। सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस, क्या रिविजन भी कर सकता हूं मैं सिलेबस कंप्लीशन के साथ? डेफिनेटली यू कैन डू द रिविजन अगर आप स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ आप एक एक चीज को स्ट्रैटेजाइज करो, कहीं पे भी टाइम वेस्ट ना करो। तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि विद सिलेबस कंप्लीशन यू कैन रिवाइज दी कंप्लीटेड सिलेबस। देन वेदर आई विल बी एबल टू अपियर फॉर दी मॉक्स, कितने टेस्ट दे पाऊंगा, तो वो सब वी विल डिस्कस। बट क्या मैं ये मॉक्स दे पाऊंगा इस ड्यूरेशन? बिल्कुल, डेफिनेटली यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू अपियर फॉर दी मॉक्स। नेक्स्ट थिंग इज कि मॉक विदाउट एनालिसिस इज निल बटे सन्नाटा, कोई यूसेज नहीं होता उसका। तो वेदर आई विल बी एबल टू एनालाइज दी मॉक्स, यस यू विल बी एबल टू एनालाइज दी मॉक्स एज वेल विद इन दी गिवन ड्यूरेशन। एंड दीज आर दी फोर पैरामीटर्स विच यू हैव टू कंसिडर वाइल फ्रेमिंग एन स्ट्रैटेजी फॉर योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट थिंग इज कि कहाँ से शुरुआत करें। सो द फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन, द पहला पत्थर जो होता है ना, वो आपको ले करना है वाइल स्ट्रेंथनिंग योर फंडामेंटल्स। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फंडामेंटल्स वेरी केयरफुली बिकॉज दिस इज एन एग्जामिनेशन विच विल नॉट बी आस्किंग यू वन लाइनर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज और जस्ट टेस्टिंग यू ऑन योर स्पीड एंड जस्ट टिकिंग दी ऑप्शंस एंड मूविंग अहेड। विल बी चेकिंग यू 360 अराउंड, है ना? तो हर तरफ से ये चेक करेगा। ये आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में इट चेक्स योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। यू कैन नॉट रटाफाई थिंग्स, चीजें रट के चले गए और एग्जाम में पास हो जाओगे। यू कैन नॉट, ऊपर ऊपर से चीजें आती हैं एंड विल बी एबल टू गो थ्रू दी सिलेक्शन प्रोसीजर, तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए द फर्स्ट थिंग, द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्ट्रेंथन योर फंडामेंटल्स। एंड वॉट यू नीड टू डू वेल स्ट्रेंथनिंग दी फंडामेंटल्स इज फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड योर सिलेबस। पहले आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, दैट आई विल बी हेल्पिंग यू, आई विल बी टेलिंग यू कि भाई कैसे कैसे यू हैव टू डिवाइड दिस सिलेबस। बट आप अपने हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हो, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, एंड देन ऑब्वियसली फेवरेट टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, सारे तरीके से यू कैन डिवाइड दिस सिलेबस। एंड देन वॉट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज दी टॉपिक्स। इट शुड नॉट बी लाइक कि मुझे मजा आ रहा है इसलिए मैं मैथ्स कर रहा हूँ और इंग्लिश पे ध्यान दे नहीं दे रहा हूँ, या फिर मुझे मजा आता है मैं नोवेल्स पे नोवेल्स खत्म करे जा रहा हूँ, आई एम रीडिंग एवरीथिंग वॉट एवर कम्स टू माई वे, बट मैं मैथ्स नहीं सॉल्व करता हूँ क्योंकि आई एम नॉट गुड एट इट, उतना अच्छा मैथ्स मुझे नहीं आता, तो मैं मजे के लिए नहीं। यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि इफ आई एम गुड एट वर्बल आई नीड टू फोकस मोर ऑन क्वान्टिटेटिव एबिलिटी सो दैट आई एम इक्वली गुड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट थिंग इज वंस यू हैव प्रायोरिटाइज दी टॉपिक्स देन यू हैव टू आइडेंटिफाई वॉट शुड बी माई स्टडी मटेरियल, वॉट शुड बी द सोर्स। देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, वेबसाइट्स एंड एवरीवेयर, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई दी ऑथेंटिक सोर्सेज विच गिव्स यू द जिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन।
रेलेवेंट प्रैक्टिस एंड ऑब्वियसली विच गिव्स यू अ क्वालिटी मटेरियल जिससे आपके एक्चुअल फंडामेंटल्स बिल्ड होंगे. नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू डू दैट कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस. इट शुड नॉट बी लाइक कि बेसिक्स है ये तो मुझे आते हैं, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते. वी विल जस्ट स्टार्ट विथ अ वेरी हाई लेवल, वहां से स्टार्ट करेंगे, लेवल 3 से, लेवल 2 से स्टार्ट करेंगे, लेवल 1 की प्रैक्टिस नहीं. वो जो बेसिक्स होते हैं उनमें जो गलतियां होती हैं उसकी वजह से हमें बहुत बड़ी भारी रकम पे करनी पड़ जाती है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन. तो वो नहीं होना चाहिए. एंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई एम सिलेक्टेड बट रिजेक्टेड बिकॉज मेरा कट ऑफ तो क्लियर था बट आई वॉज ऑन दी बाउंड्री. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड देन कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस शुड बी एट प्लेस. नेक्स्ट थिंग इज टाइमली रिविजन. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यू हैव डन दी कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस एंड यू आर नॉट रिवाइजिंग इट, थिंकिंग कि मैंने एक बार कर लिया अभी तो मुझे आता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड प्रैक्टिस इट टाइमली. डिसाइड करो कि 15 दिन बाद रिविजन करना है, 1 महीने बाद करना है, या फिर 21 डेज के बाद करना है, 20 दिन के बाद करना है. इट इज योर कॉल कि मुझे कब वो टाइमली रिविजन करना है, मेरा दिमाग कब तक रिटेन करता है, और उसके बाद आई हैव टू रिवाइज टू सेंड इट टू माई परमानेंट मेमोरी. सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू स्ट्रेंथन योर फंडामेंटल्स. नेक्स्ट थिंग इज रिफाइनमेंट. अब फंडामेंटल्स तो सीख लिए. कुछ लोग होते हैं जो फंडामेंटल सीखने के बाद उसी में खुश होते रहते हैं, उसी टाइप की प्रैक्टिस करते रहते हैं. एंड व्हाट हैपेंस कि अल्टीमेटली दे एंड अप विथ कि जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, जब लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, जब हमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, या थरो रीडिंग की जरूरत होती है, या बेसिक ट्रिक्स अप्लाई करनी होती है, बहुत ही क्रिटिकल आरसीज आ जाते हैं, या फिर पैराजम्बल डिफिकल्ट हो जाते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो मेरी नॉलेज तो बहुत अच्छी है, आई एम वेरी गुड एट इट, बट इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं कर पाता. तो दैट शुड नॉट हैपन. द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू रिफाइन योर कॉन्सेप्ट्स एंड ब्रिंग दैम टू द लेवल वेयर द एग्जाम स्टैंड्स और बियॉन्ड दैट. उसके बाद भी आपको उसके ऊपर ले जाओ तो कोई बुराई नहीं, बट उससे कम नहीं होना चाहिए. सो यू हैव टू रिफाइन एंड इम्प्रूव टाइमली. सो फर्स्ट थिंग दैट विल हेल्प यू इन योर रिफाइनमेंट इज द रिविजन ऑफ द टॉपिक्स विथ अ सुटेबल लेवल ऑफ डिफिकल्टी. योर रिविजन शुड नॉट बी लाइक रिवाइजिंग द सेम क्वेश्चन टाइम एंड अगेन और फॉर फर्स्ट रिविजन और एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम सेकेंड रिविजन के लिए वी विल बी रिवाइजिंग द सेम थिंग्स, बट देर शुड बी एड ऑन एटलीस्ट 5-7 नए क्वेश्चन हम करेंगे उस चीज के जिसके हमने कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए. नेक्स्ट थिंग इज टाइम बाउंड प्रैक्टिस. रिफाइनमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. आई एम वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम वेरी गुड एट रीडिंग, मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, बट सर मुझे टाइम कम पड़ जाता है एग्जामिनेशन में. क्यों? यही पेपर आप मुझे 4 घंटे के लिए दे दो, आई विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 75% मार्क्स, बट इन द एग्जामिनेशन सर आई एम नॉट एबल टू स्कोर क्योंकि टाइम कम पड़ जाता है. कॉन्सेप्चुअली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, हायर लेवल डिफिकल्टी क्वेश्चन आई कैन सॉल्व, बट एग्जाम में नहीं कर पाता. तो दिस शुड नॉट हैपन. यू नीड टू डू वंस यू हैव रीच्ड अ लेवल कि अब गलतियां मुझसे नहीं होती हैं, कॉन्सेप्ट्स भी सब जगह पर है, तो आई हैव टू डू दैट टाइम बाउंड प्रैक्टिस. नेक्स्ट थिंग इज एनालाइजिंग द मिस्टेक्स. यू शुड नॉट इग्नोर योर मिस्टेक्स. क्या रे गलती से हो गई, सिली मिस्टेक है. नन ऑफ योर मिस्टेक्स शुड बी कैटेगराइज और आर नेवर सिली मिस्टेक्स. यू नीड टू पे दोज नेगेटिव्स इक्वली और पूरा क्वेश्चन ही गलत होता है, पार्शियली गलत नहीं होता बिकॉज यू हैव डन अ सिली मिस्टेक. सो यू हैव टू एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम. उनसे आपको सीखना चाहिए, ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग वर्क ऑन योर एक्यूरेसी मींस रिड्यूस द मिस्टेक, एनालाइज द मिस्टेक्स एंड देन ट्राई टू रिड्यूस देम. हो सकता है शुरू में विल बी लाइक 50% एक्यूरेसी में जितना सॉल्व करता हूँ आधा गलत हो जाता है आधा सही हो जाता है, परफेक्टली फाइन फॉर अ स्टार्टिंग स्टूडेंट. 40-60 भी है तो भी परफेक्टली फाइन, 40% ही सही होता है, बट इट शुड इम्प्रूव विद टाइम. ऐसा नहीं होना चाहिए आज भी वही है, 3 महीने बाद भी वही एक्यूरेसी है, मैं 40% से 45% पे पहुंचा. इट शुड नॉट हैपन. यू शुड वर्क ऑन योर एक्यूरेसी एंड शुड बी एबल टू रियलाइज कि हाँ मेरी 75% है, मेरी 80% है, उसी हिसाब से वी विल बी अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. गॉट इट? सो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने एंड देन रिफाइन करने, इम्प्रूव करने और उस लेवल पे लेके आने जहां आपका एग्जाम स्टैंड करता है. नेक्स्ट थिंग कि जो लास्ट टाइम होगा अप्रैल मई का टाइम जो होगा, अप्रैल मिड से मान लो आप,
तो वहां से उसके बाद और जब तक आपका एग्जामिनेशन होगा, मतलब एग्जामिनेशन से लगभग 30-35 दिन या 40 दिन पहले आपको क्या करना है, ये सारी चीजें अप्रैल मई से पहले हो जानी चाहिए जो भी हमने डिस्कस किया है। हमें क्या करना है, मॉक देना है और पीवाईपीस देने हैं, एक्चुअल टाइम स्लॉट में बैठो, एडमिट कार्ड्स आ जाते हैं, पता चल जाता है ना। और क्या कहते हैं, उसी ड्यूरेशन में बैठो जिसमें आपका एग्जाम होता है, और उस ड्यूरेशन में बैठने के बाद उतनी देर में एग्जाम करो, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, डिटेल्ड एनालिसिस करो। एनालिसिस शुड नॉट बी लाइक व्हाट वाज रॉन्ग व्हाट वाज राइट एंड इतना कैलकुलेशन हो गया और अब से ये गलती नहीं करूंगा, नहीं। यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, सॉल्व देम, सॉल्व योर पेपर थरोली, सॉल्व योर मॉक थरोली। एक एक क्वेश्चन आपने कॉपी पे सॉल्व किया होना चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो, यू हैव टू सॉल्व इट थरोली एटलीस्ट ट्वाइस, एक बार देख के, अगर हेल्प आपको चाहिए सोल्यूशंस की फिर उसको बिना देखे भी सॉल्व करना है। और जो गलत हुए उनको नहीं, जो सही है उनको भी एनालाइज करो, कहीं मेरी रीजनिंग और एक्चुअल रीजनिंग में गैप तो नहीं है, जस्ट इस पॉइंट पे तो सही हो गया, कहीं उसकी वजह से एग्जाम में तो गलत नहीं हो जाएगा। तो रॉन्ग एज वेल एज राइट आंसर्स यू हैव टू एनालाइज एंड ऑब्वियसली रिवाइज दी मॉक्स टाइमली, उनको क्विकली डिसाइड कर लो कि हर वीकेंड पे आई हैव टू रिवाइज जो भी मैंने इस वीक में मॉक्स दिए। उस तरीके से यू हैव टू प्लान फॉर योर लास्ट मंथ, जो करो या मरो वाली स्थिति होगी ना, बिल्कुल एकदम हाई स्पिरिट में हम प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे यू हैव टू रिवाइज योर मॉक्स रेगुलरली, जो भी दिए। ऐसा नहीं मॉक हो गया भूल गए, नहीं, यू हैव टू रिवाइज इट, उससे कॉन्सेप्ट्स आपके रीइंफोर्स होंगे, स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट थिंग इज द 5 मंथ प्लान विच यू वर वेटिंग। सो फॉर दिस 5 मंथ प्लान यू विल गेट दिस पीडीएफ की आप इस तरीके से कर सकते हो जो भी मैं अभी टेबल बनाने वाला हूँ, और आप उसको अपने हिसाब से जंबल भी कर सकते हो। यू कैन जस्ट स्वैप दी थिंग्स कि मुझे ये पहले करना है ये बाद में करना है। दिस इज दी जनरल ओवरव्यू एंड माय पर्सपेक्टिव कि इस तरीके से होगा तो विल हेल्प यू अलॉट। अगर कहीं पे कोई चीज आपकी बहुत स्ट्रांग है और मैंने उसको बाद में या पहले किया हुआ है तो यू कैन जंबल अप, बट आपके पास वो चेकलिस्ट होनी चाहिए कि जो भी इस प्लान में है वो सब कुछ मैंने किया हुआ है। सो फर्स्ट थिंग इज वी आर इन दिसंबर, एंड दिसंबर में हमें क्यूए में क्या करना है, डीआई में क्या करना है, देन आरसी में क्या करना है, और एलआर में क्या करना है, ये सारी चीजें मुझे क्लियर होनी चाहिए। मैंने 5 एरियाज बनाए हुए हैं, क्यूए, डीआई, आरसी, वीए एंड एम। एम स्टैंड्स फॉर मॉक, कितने देने चाहिए, कब कितने मॉक देने और कैसे देने हैं, कैसे एनालाइज करने, वो सारी स्ट्रैटेजी विल बी विथ यू, मंथली स्ट्रैटेजी है। सो इन दिसंबर द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कंप्लीट इज योर हायर मैथमेटिक्स, और जो चीज हो जाए उसको यू कैन हाईलाइट इन डिफरेंट कलर्स की, ये ग्रीन हो गई मतलब परफेक्ट हो गई है, येलो है मतलब बीच में है, रेड है अभी करना है, देयर इज सम ब्लॉकेज, कॉन्सेप्चुअल ब्लॉकेज है, मुझे बैकअप क्लास लेनी है, रिवाइज करना है, डाउट्स पूछने हैं, तो यू कैन कलर इट इन डिफरेंट मैनर। बट एक एक ओवरव्यू है कि भाई हम पहले सबसे पहले हायर मैथ्स को क्यों उठा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जनरली देयर आर फ्यू स्टूडेंट जो ऑलरेडी मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो इन्होंने मैथ्स से दूरी बनाई होती, बट क्योंकि अब आईपीएम देना है तो मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। तो ये ऐसा समय, इसमें आप बहुत लंबा समय, दिसंबर में अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो जनवरी आपको मिलेगा जहां पे आप रिवीजन कर सकते हो, और आपको लगता है कि मैं बहुत ही बुरा हूं तो बार बार आपको रिवीजन करने के मौके इतने मिलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च तक जाके यू विल बी कंफर्टेबल विद दोस टॉपिक्स। क्योंकि अगर मैं बोलूं मार्च अप्रैल में जाके आपको हायर मैथ्स करनी है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, तो हमें लगता है अरे हमें चीजें समझ में नहीं आ रही है, मुझसे तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, मुझे तो गलतियां हो रही हैं, तो वो जो सिली मिस्टेक्स है, वो जो कंफर्ट लेवल है हायर मैथ्स के साथ आने के लिए चाहिए, तो उसके लिए वी हैव टू स्टार्ट विद हायर मैथ्स के टॉपिक लाइक मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, बाइनोमियल थ्योरम, और भी ज्योमेट्री, इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिनसे भी आपको लगता है, मतलब अलजेब्रा, जिनसे भी आपको थोड़ा डर लगता है एंड यू कंसीडर देम एज डिफिकल्ट, यू शुड स्टार्ट विद दैट सो दैट यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू बी कंफर्टेबल विद दोज टॉपिक्स। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू कंप्लीट इज डीआईएलआर की अगर मैं बात करूं तो पजल, पजल्स पे फोकस करना है इन दिसंबर। अब आप कहोगे सर हमारे यहाँ तो पजल्स होती नहीं है, सो इट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर योर आईपी मैट इंदौर, जिप मैट भी देना है आपको, ठीक है, तो दूसरे जो भी एग्जाम्स हैं, ठीक है,
आईआईएम रोहतक का एंट्रेंस भी आपको देना है। तो ये सारे एग्जाम्स के जब एंट्रेंसेस आप दोगे तो वहां पर रीजनिंग भी होती है, तो उनकी प्रैक्टिस आप अभी कर सकते हो, एकदम शांत भाव से बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई जल्दी नहीं, अभी मेरे पास टाइम है, मैं ढंग से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो पजल्स पे फोकस करना है, पजल्स में स्पीड पे फोकस करना है, एंड नेक्स्ट थिंग इज कॉम्प्रिहेंशन, टीसीक्यूज इज टेक्निक्स, कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक्स पे फोकस करना है कि भाई मुझे जो मैं पढ़ता हूँ वही एक्चुअल मीनिंग होता है, या मैं जो सोचता हूँ वो गलत हो जाता है। तो वो सारी चीजें आपको बिल्ड करनी है, मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का टाइम है आपका, जो भी दिसंबर का बचा हुआ ड्यूरेशन है, दिस रिमेनिंग 20-21 डेज जो है वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के। तो क्या काम करना है यहाँ पे, अगर रीजनिंग की बात की जाए तो पजल्स, स्पीड पे काम करना है, और कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक्स पे काम करना है कि आई एम एबल टू कॉम्प्रिहेंड। और उसके लिए कुछ अगर बेसिक टॉपिक्स लग रहे हैं कि मुझे थोड़े बहुत बेसिक्स आने चाहिए उसके, तो उसके लिए बेसिक प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू आरसी प्रैक्टिस, तो आरसी प्रैक्टिस के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है, दैट इज फोकस्ड रीडिंग हैबिट ऑफ 90 मिनट्स, जो कि आपको डेवलप करनी है, क्योंकि बच्चे रीड ही नहीं करते। मैथ्स में तो आंसर आ रहे हैं, रीजनिंग सॉल्व करने में मजा आ रहा है, फिर हम रीड नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं आरसी पढ़ेंगे और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट इज योर टाइमली प्रैक्टिस विच विल हेल्प यू गेट दी करेक्ट आंसर्स इन दी आरसी। तो उसके लिए अगर मुझे 12 क्वेश्चन अपने सही करने हैं, इफ इट कम्स टू आईपीएम इंदौर, तो आई हैव टू डेवलप दैट हैबिट ऑफ 90 मिनट्स ऑफ फोकस रीडिंग, मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए उस बीच में, मोबाइल दूर होना चाहिए, उसके आधे घंटे पहले भी मैंने सोशल मीडिया कुछ यूज नहीं किया होना चाहिए। मे साउंड समटाइम्स कि बहुत ओल्ड स्कूल बातें कर रहे हैं, बट ये कोशिश करके देखो, आपके जेन्युइनली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और बहुत अच्छी आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी व्हेन इट कम्स टू आरसी। तो डिफरेंट वेरियस जोन्स में जो भी आपको पसंद आ रहा है, पहले हमें हैबिट डेवलप करनी है, तो जो भी पसंद आ रहा है वो रीड करो, बट 90 मिनट्स रीडिंग करो, उसके बाद आरसी सॉल्व करने की कोशिश करो। कीप इट एज अ वार्म अप एक्सरसाइज कि 90 मिनट्स रीडिंग करूंगा, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लूंगा और फिर मैं आरसी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ब्रेन वर्क्स दैट वेज कि वार्म अप हो गया, आपकी हैबिट बन रही है, और दिसंबर जनवरी अच्छा टाइम है, बढ़िया शांति से बैठो और रीड करने की हैबिट डालनी है अभी अपने को। नेक्स्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू बीए, तो देखो मैंने देखो अलग अलग कोडिंग की हुई है, ऐसी तुम्हें करनी है, इट इज जस्ट रैंडम कि सर आपका ग्रामर बचा हुआ है क्या, ऐसा नहीं है कि ग्रामर मेरा बचा हुआ है। तो ग्रामर, वोकैब, वर्ड पावर मेड इजी, इसको भी हमें अभी से उठाना है। हमारी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगेन द एग्जाम आर गोइंग टू चेक यू 360 डिग्री, एक तरफ से नहीं चेक करने वाले है ना, ऊपर ऊपर की नॉलेज नहीं चेक करने वाले। तो ये सारी चीजें, मतलब कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग जो है, अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है कॉन्सेप्ट्स के, वो अभी आपको ले करने हैं। सो स्टार्ट विद ग्रामर एंड वोकैब व्हेन इट कम्स टू वीए, कि वोकैब और ग्रामर ये दो चीजें मैं अच्छी कर लेता हूँ, बिकॉज जब एग्जाम आएगा बाद में ये सब बिल्ड नहीं हो सकता, अभी से आदत डालूंगा तो इट विल हेल्प मी व्हाइल डूइंग थिंग्स। एंड व्हेन इट कम्स टू मॉक्स, यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 सेक्शनल्स ऑन ईच ऑफ दी सब्जेक्ट, एंड ट्राई टू डू 2 फुल लेंथ टेस्ट, 2 फुल लेंथ टेस्ट देने, 15-15 दिन में दे लो, इफ इट कम्स टू दिसंबर 15 दिन का गैप लेके 10 जनवरी तक कंप्लीट कर लो, 2 फुल लेंथ टेस्ट देने, और आपको दो दो सेक्शनल देने, इंग्लिश के दो, क्वांट्स के दो, आपके DILR के दो दो टेस्ट, इस तरीके से आपको करना। बहुत ही लाइट एक्सरसाइज है, बट हमें इस तरीके से फोकस करना है कि सारी चीजें हो जाए, ऐसा नहीं अब हमारे पास दिसंबर लौट के नहीं आएगा, तो दिसंबर खत्म होने के बाद इसमें से कुछ नहीं बचना चाहिए। तो दिसंबर आई मीन 20 डेज ऑफ दिसंबर एंड 10 डेज ऑफ नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट है, ठीक है, 1 मंथ की बात कर रहे हैं अपन। नाउ व्हेन वी विल एंटर इन टू जनवरी, तो जनवरी की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्चुअल सॉरी कंप्लीट अरिथमेटिक्स, अरिथमेटिक प्लेज अ मेजर रोल इन ईच ऑफ योर एंट्रेंसेस, तो अरिथमेटिक कंप्लीट करने की कोशिश करनी इन द मंथ ऑफ जनवरी। उसको पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बहुत वास्ट है और हम क्या करेंगे इसको इग्नोर करने लगेंगे और उसमें इतने डूब जाएंगे, पसंद आ जाएगी, वो प्यार हो जाएगा अरिथमेटिक्स, तो उसको बाद में शुरू करेंगे। हायर मैथ्स हो गई उसके बाद, ये दूसरा फैक्टर ये है कि जल्दी हो जाएगा क्योंकि आपको अब इजी लगेगा ये, तो वो जो बेसिक ब्लॉक केज ऑफ माइंड था वो खुल जाएंगे, नसें खुल जाएंगी व्हेन यू आर डूइंग हायर मैथमेटिक्स। तो कंप्लीट अरिथमेटिक्स आपको कोशिश करनी कि जनवरी 10 से फेब 10 तक आपकी अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट थिंग इज
इफ इट कम्स टू डीएलआर, तो वेन डायग्राम, एनालिटिकल रीजनिंग, इस टाइप के टॉपिक्स खत्म करने की कोशिश करनी है. एनालिटिकल रीजनिंग मतलब क्लॉक, कैलेंडर, आपकी सीरीज एंड ऑल, जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ, जो भी स्पेक्ट्रम है रीजनिंग का, बेसिक रीजनिंग का, जो दोनों एग्जाम्स में आता है, इसके अलावा वो आपको खत्म करने की कोशिश करनी. नाउ इफ आई कम टू आरसी, यहाँ पे देखो मैंने आरसी प्रैक्टिस लिखा है, यहाँ पे लिखा है आरसी स्पेल्स. स्पेल्स का मतलब है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल. तो ये सारे पैरामीटर्स जो है, लास्ट में आपको इन सारे पैरामीटर्स पे यू हैव टू रीड. अब देखो रीडिंग हैबिट हो गई है, अब ऐसे नहीं कर सकते, पूरा स्पेक्ट्रम कवर करना है अब अपने को. ऐसा नहीं कि मुझे तो एक ही फिक्शन ही पसंद है, या मुझे सिर्फ साइकोलॉजी पसंद है, या मुझे सिर्फ सोशल साइंस पसंद है, या इकोनॉमिक्स ही पसंद है. नहीं, हमें सारे जोन्स कवर करने. तो स्पेल्स इज गिविंग यू अ व्यू कि यू हैव टू कंप्लीट द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल द वेरियस वेराइटी ऑफ आरसी कमिंग इन टू योर एग्जामिनेशन, एंड दैट टू फॉर 90 मिनट्स. नाउ यू हैव टू डेवलप दी हैबिट कि अब मैं हर एक तरफ पढ़ूंगा. यहाँ पे तो हैबिट डेवलप हो गई है, अब हर एक के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज पैरा कंप्लीशन एंड वर्ड पावर मेड इजी. अब हमने ग्रामर अच्छी कर ली है और वो कैप की भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ में जब अपन एंटर करेंगे तो ये प्रैक्टिस बंद नहीं कर देनी है, पर यहाँ पे वर्ड पावर मेड इजी हम कंटिन्यू करेंगे. ग्रामर हमने ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट करने की कोशिश की है, नहीं हुई तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं एंड स्टार्ट विद द न्यू थिंग कि पैरा कंप्लीशन पे अपन काम करें, है ना, नई चीज ये एड ऑन करेंगे. एंड यहाँ पे वी विल इंक्रीज आवर सेक्शनल का नंबर बाय वन. हर एक सेक्शन में आपको 3 देने, क्योंकि एक तो पुराने वाले के रिविजन के लिए देना पड़ेगा और दो दो अगेन कंसर्न सेक्शन जो भी आपने कवर किए हुए हैं उसके लिए आपको सेक्शनल टेस्ट देने. एंड फाइनल थिंग इज दो फुल लेंथ टेस्ट देने. अगेन नेक्स्ट मंथ इज ऑल्सो वेरी लाइट कि आपको फुल लेंथ टेस्ट का उतना लोड नहीं लेना है, अभी हम कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं. सेक्शनल देके वो टाइम लिमिट, स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ चेक किया जा सकता है, पर 3 सेक्शनल खत्म करने हैं ये गारंटी. और एटलीस्ट लिखा है 3 के बियॉन्ड अगर आप दे पा रहे हो, इफ टाइम परमिट्स यू तो बिल्कुल करो, लेकिन मॉक सेक्शनल कुछ भी आप दे रहे हो एनालिसिस के बिना वो 0 वैल्यू है उसकी. तो एनालिसिस डेफिनेटली करनी है. नेक्स्ट थिंग इज यू विल एंटर इनटू फेब्रुअरी, एंड फेब्रुअरी में व्हेन इट कम्स टू योर मैथमेटिक्स तो हमें कोशिश करनी है स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस टाइप के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम खत्म कर लें. हमने अरिथमेटिक खत्म कर लिया, हायर मैथ्स कर चुके हैं. अब अपने जो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, काफी फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ, मेंसुरेशन की बात करूँ, ज्योमेट्री में काफी रिजल्ट्स हैं जो हमें मेमोराइज करने पड़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूँ तो डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व और उस टाइप की चीजें अपने को याद करनी पड़ती है, दैट इज अगेन रिलेटेड टू हायर मैथ्स ओनली, बट यहाँ पे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि फेब्रुअरी वो टाइम है आपने 2 मेजर चंक जो उठा के खत्म कर दिए हैं, अब आप रिलैक्स मोड में, अब आप वो कर रहे हो जो फिलर्स बीच बीच में बच गए. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू डीएलआर, सो अगेन डीएलआर में डेटा इंटरप्रिटेशन कैसलेट्स पर काम करना है, क्योंकि ऑब्वियसली कैसलेट्स आएंगे प्योर डेटा इंटरप्रिटेशन के या पजल्स आएंगे, तो वो अब अपना हैंडी होना चाहिए, कैसलेट्स पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, बेसिक्स अपन खत्म कर चुके हैं, तो उसका बिल्कुल प्योर प्रैक्टिस कर रहे हैं अब हम प्योर डीआई. और अगर इन केस प्योर डीआई कहीं पे आ जाता है या कैसलेट्स आ जाते हैं तो उस पे अपनी कमांड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज आरसी एंड देन योर फोकस रीडिंग फॉर, ये आरसी प्रैक्टिस विल कंटिन्यू. अब स्पेल्स मैंने हटा दिया, अगेन नाउ अब आपने सारे रीडिंग कर ली, अब यू हैव टू प्रैक्टिस आरसी इन अ वॉर जोन. 90 मिनट्स की हैबिट अभी भी नहीं छोड़नी, ये नहीं कि अब तो मुझे आदत पड़ गई अब क्यों करूंगा मैं रीड करके, नहीं, रीड अभी भी आपको करना है. एंड देन व्हेन इट कम्स टू वीए, ऑड मैन आउट, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करनी है. सेंट्रल आइडिया लिखने की आदत डालो यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि आपकी ग्रामर अच्छी हो चुकी है, वो कैप पे भी आप काम कर ही रहे हो, पैरा कंप्लीशन वगैरह सीख गए हो, रीडिंग हैबिट हो चुकी है, सो नाउ यू कैन राइट डाउन दी सेंट्रल आइडियाज ऑफ दी गिवन पैसेजेस. खुद से प्रैक्टिस करने की आदत डालनी, क्योंकि लेटर हाफ ऑफ द एग्जामिनेशन में भी ये हेल्प करेगा. एंट्रेंस जब होता है तो सेकेंड पार्ट जो होता है इंटरव्यू प्रोसीजर, वहां पे यू हैव टू राइट वेरियस थिंग्स.
तो वो राइटिंग रिटन टेस्ट निकालने में भी इट विल हेल्प यू, एंड इनडायरेक्टली यहाँ पे भी इट विल हेल्प यू। तो ये आपकी स्किल का ही डेवलपमेंट है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे देखो मैंने सेक्शनल आपके रिड्यूस करके अगेन 2 कर दिए हैं, सेक्शनल हमें अब कम कर देने हैं, पर फुल लेंथ टेस्ट मैंने 3 कर दिए हैं। हमें कोशिश करनी है फेब में वी विल अपियर फॉर 3 फुल लेंथ टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट जिसमें सारे सेक्शंस होंगे, एंड सेक्शनल अब मैं रिड्यूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर चुका हूँ, उसकी कर चुका हूँ, कंसर्न प्रैक्टिस करके भी आई कैन मूव ऑन। क्योंकि नाउ आई विल हैव मार्च जहां पे मैं प्रैक्टिस करूंगा, आई विल हैव अप्रैल एंड देन अ फ्यू डेज ऑफ मई एज वेल। सो लेटेस्ट एंटर इनटू मार्च, और मार्च में देखते हैं क्या है कि भाई नंबर थ्योरी, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मिसेलेनियस प्रैक्टिस जिसको हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली नंबर थ्योरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, नंबर सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, वो वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि मजेदार टॉपिक है, कितना भी प्रेशर हो उसको सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। देन पीएनसी की भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, क्वेश्चंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड मिसलेनियस प्रैक्टिस मैंने लिखा हो यू कैन डू। एंड अब यहाँ पे एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज रॉन्ग क्वेश्चंस इन दी मॉक। रॉन्ग क्वेश्चंस इन दी मॉक का मतलब क्या है, अभी तक जितने भी मॉक दिए हुए हैं उनके रॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने किए थे, जो एनालिसिस के टाइम पे अपन ने लिखे थे, उनका रिविजन हाथों हाथ कर लो यहीं पे, क्योंकि अब टाइम नहीं मिलेगा, वी आर इन मार्च, इसके बाद अब अपने पास टाइम नहीं है, अब अपने को तो बहुत हाई स्प्रिंट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव टाइम बाउंड प्रैक्टिस, अगेन मैं अभी तक तो बहुत कुछ सीख रहा था बट अब मुझे कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करनी है, कोई से भी टाइप का पजल आ जाए, कोई सा भी डीआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे वो सॉल्व करना आना चाहिए, और वो टाइम ड्यूरेशन सेट करके कि आई एम एबल टू डू इट इन दीज मेनी मिनट्स, इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है, तो वो अपनी जो टाइम लिमिट्स है वो आपको सेट करनी आनी चाहिए। एंड हेयर ऑल्सो यू हैव टू फोकस ऑन योर रॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस, रॉन्ग क्वेश्चन इन दी मॉक, जो भी आपने मॉक दिए उनमें जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन हुए वो डीआई के आपको खत्म करने हैं। व्हेन इट कम्स टू आरसी प्रैक्टिस, आरसी में आई हैव इंक्लूडेड पीवाईक्यूज हियर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहीं से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो क्योंकि हैबिट है, ग्रामर अच्छी है, मैंने सारी वेराइटी के आरसी सॉल्व किए हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, एंड नाउ आई विल चेक माई सेल्फ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हाउ आई एम आई मीन्स वेदर आई एम मेकिंग सेंस, आई एम एबल टू परफॉर्म और नॉट, तो वो चेक करने के लिए स्टार्ट डूइंग दैट। एंड अगेन जो भी मॉक में रॉन्ग क्वेश्चन है उनकी आपको रिविजन, इफ इट कम्स टू आर सी वी ए दोनों में ही आपको वो करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड 360 डिग्री प्रैक्टिस, मतलब कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस ऑफ ऑल द थिंग्स मेंशन ड्यूरिंग दीज मंथ्स, वो आपको करनी है। एंड रॉन्ग क्वेश्चन इन दी मॉक इज सेम, हर जगह आपको वही रॉन्ग क्वेश्चन करने। और फाइनली एटलीस्ट 2 सेक्शनल टेस्ट फॉर ईच, क्योंकि अब आपके टॉपिक्स थोड़े कम हो गए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस ही है, बट 4 फुल लेंथ टेस्ट, मार्च में हमें 4 फुल लेंथ टेस्ट देने ही है, उससे कम पे बात नहीं होगी, ये अपनी डील तय कर रहा हूं मैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट थिंग इज योर अप्रैल एंड मई, अप्रैल 10 अप्रैल से लेके आपके एग्जाम तक का जो भी टाइम है, 30-35 दिन का टाइम आपको मिलने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या करना है, मॉक देने, आप कितने इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इट्स अप टू यू, आप 5 मॉक दो, 7 मॉक दो, ठीक है, आप जितने मॉक एनालाइज कर सकते हो, उनका रिवीजन कर सकते हो टाइमली, उनको याद कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, उतने मॉक आपको देने हैं, है ना। तो मैं एटलीस्ट नंबर भी नहीं दे रहा हूँ आपको, आप अगर कंफर्टेबल हो कि सर मैं तो 5 या 6 मॉक 7 मॉक दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, दैट इज फाइन, आप 10 मॉक दे सकते हो, हर तीसरे दिन मॉक दे सकते हो, 1 वीक में 2 मॉक दे सकते हो, परफेक्टली फाइन फ्रॉम माय साइड। मॉक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड रिवीजन, वही यहाँ पे भी अप्लाइज टू डीआईएलआर एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू योर दिस आरसी, सेम थिंग अप्लाइज टू योर वीए एंड सेम थिंग, मतलब फाइनली अल्टीमेटली वो तो मॉक ही है, तो इट इज कि मॉक देने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, एंड देन यू हैव टू रिवाइज थिंग्स। एंड ये देखो मैंने अपने कोड बना रखे थे कि भाई ये डन है, ये बैकलॉग है, तो यू हैव टू हाईलाइट दिस वे, आपने एक वो होना चाहिए स्ट्रक्चर, है ना, और हमें वो खुद की मॉनिटरिंग करनी है कि हम जस्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सिलेबस कितना हुआ है भाई, वो मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और फिर अगर सब कुछ एक ही जगह लिखा रहेगा तो आपको पता भी रहेगा कि यार मैं ना और टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सो दैट शुड नॉट हैपन एट एनी पॉइंट, आपको वो ट्रैक रखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप पहुंचे हो और
कितना बचा हुआ है भाई, कितना रास्ता बचा हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड अल्टीमेटली आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि ये तो हमने बात कर ली टॉपिक वाइज, लेकिन अब पूरा जो सिलेबस है उनको इन चार पैरामीटर्स में आपको जज करना आना चाहिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने स्टार्ट ही नहीं किए, कुछ ऐसे होंगे जो आपको आते तो है, मतलब समय समय पे ये वाला एनालिसिस करना है आपको, आपको आते हैं लेकिन उतना मेरे कॉन्सेप्ट्स तो बढ़िया है पर मॉक में नहीं कर पाता हूं मैं। एंड देन कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे कि सर मुझे आधी रात को भी सॉल्व करवा लो, मैं सॉल्व कर लूंगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको आप मॉडरेट कैटेगराइज करते होगे या स्ट्रॉन्ग कैटेगराइज करते होगे, सर कभी कभी हो जाता है, कभी कभी सिली मिस्टेक के चांसेस होते हैं, तो इस टाइप के टॉपिक्स में व्हाट यू हैव टू डू, कैसे हमें इस पे काम करना है। जो चीज अभी तक स्टार्ट नहीं की है उसको जब स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली या तो वो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट में जाएगी, या फिर वो डायरेक्टली ऐसा भी नहीं होगा कि हर एक चीज एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट में ही जाए, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट में जाएंगी कि भाई इसमें थोड़ी और प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उतने इजीली मैं सॉल्व नहीं कर पाता, फालतू में मैं लेंदी कैलकुलेशन करता हूँ, पर चीजें अगर याद कर लूँ तो बहुत आसानी से जल्दी हो सकती है। सिमिलर इज द केस विथ VA, सिमिलर इज द केस विथ योर DILR, चारों ही तीनों ही सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है। तो इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड वो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट में जा सकता है, या फिर वो डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि सर PNC के क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ आज तक, तो इट इज डायरेक्टली अ स्ट्रॉन्ग टॉपिक, ठीक है बढ़िया है, फिर आपको उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। पर कुछ चीजें इधर पहुंचेंगी, कुछ इधर पहुंचेंगी जो स्टार्ट ही नहीं हुई है। अब कुछ चीजें जो आपकी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट में है उनको आपको कोशिश करनी है कि आप उनको मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग बनाओगे, है ना, ऐसे नहीं कि पड़ी हुई है सर ये तो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है मुझे नहीं करना नहीं करना, ऐसे नहीं करना है अपने को, क्या करना है उनको अपने को मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग बनाना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि जो अपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है उनको डेफिनेटली हमें कन्वर्ट करना है एक्सपेक्टेड टॉपिक में, है मॉडरेट स्ट्रॉन्ग है, उनको ये नहीं छोड़ना है स्ट्रॉन्ग टॉपिक है सर रिवीजन नहीं करना, नहीं उसको स्ट्रॉन्ग को यू हैव टू ट्राई एंड ब्रिंग टू एक्सपेक्टेड टॉपिक। एक्सपेक्टेड मतलब कभी भी कुछ भी सॉल्व करवा लो, मेरा कभी गलत नहीं होता, आधी रात को भी सॉल्व कराओगे आप मॉक दिलाओगे, नींद में भी आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस टॉपिक। तो कोशिश करनी है, तो जो स्टार्ट नहीं किया उसको हम एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट में लेके जाएंगे या मॉडरेट स्ट्रॉन्ग एरियाज में लेके जाएंगे, एंड वंस इट इज हियर यू हैव टू ब्रिंग इट टू एक्सपेक्टर टॉपिक। कोशिश करनी है जो मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग है। अब हर टॉपिक इधर पहुंच जाएगा जरूरी नहीं है, देयर विल बी ऑब्वियसली वीक टॉपिक्स, कुछ वीक एरियाज रह जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर एक चीज पे उतना कमांड होगा, पर कुछ चीजों पे डेफिनेटली हमारा कमांड होना चाहिए। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू, यू कैन कनेक्ट विथ अस ऑन इंस्टाग्राम बाय यूजिंग सुपर डॉट ग्रेड्स, देन कनेक्ट विथ अस ऑन यूट्यूब यूजिंग @ सुपर ग्रेड्स बाय टॉप रैंकर्स, एंड दिस इज आवर टेलीग्राम नेम, यू कैन यूज t.me/supergrades एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विथ अस, एंड फॉर फर्दर क्वेरीज यू कैन यूज www.toprankers.com एंड यूज द गिवन कॉन्टैक्ट नंबर फॉर द फर्दर क्वेरीज, एंड होप इट विल हेल्प यू प्लान एंड स्ट्रेटेजाइज योर दिस जर्नी टिल योर एग्जामिनेशन। एंड डेफिनेटली इसके अलावा कुछ भी डाउट होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, वी विल बी हैप्पी टू गिव यू रिप्लाइज एंड हेल्प यू विथ योर क्वेरीज। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।